आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मध्य प्रदेश में फिर शिवराज, मुख्यमंत्री के रूप में चौथी बार शिवराज सिंह चौहान की शपथ। संसद में कोरोना वायरस, लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। देश में कई जगह लॉकडाउन, मोदी ने कहा लॉकडाउन को लेकर कई लोग गंभीर नहीं। नक्सली हमले में मारे गए 17 शहीदों को बघेल की श्रद्धांजलि, शहीदों के गांव में मातम। और कैसे दे कोरोना वायरस को मात, डॉक्टर्स कह रहे हैं सतर्क रहें और दुनिया बनाएं। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश की कमान एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान के हाथ में है। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद उन्होंने चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पिछले दिनों अल्पमत में आने के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। मध्य प्रदेश में एक बार फिर शिवराज आ गया है। बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राजभवन में राज्यपाल लालजी टंडन ने शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। इससे पहले विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली से नेता जुड़े थे। कोरोना वायरस के कारण शपथ ग्रहण सादगी के साथ हुआ। शपथ ग्रहण में कम ही लोगों ने हिस्सा लिया। शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार मध्य प्रदेश की कमान संभाली है। पहली बार वे 29 नवंबर 2005 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद वो 12 दिसंबर 2008 में दूसरी बार सीएम बने और 8 दिसंबर 2013 को शिवराज ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हाल ही में मात्र 15 महीने में मध्य प्रदेश से कमलनाथ सरकार की विदाई हुई है। दरअसल कांग्रेस के सिंधिया समर्थक 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था। इनमें 6 मंत्री शामिल थे। स्पीकर ने मंत्रियों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया था, लेकिन 16 विधायकों का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया था। विधायकों के इस्तीफे के कारण कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई थी। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कमलनाथ सरकार को तुरंत फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया। आदेश के बाद स्पीकर ने सभी बचे हुए 16 विधायकों का इस्तीफा मंजूर कर लिया और फ्लोर टेस्ट से पहले ही कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। सर, विधायक दल का नेता चुना गया है, मेरे लिए बहुत भावुक पल है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सामान्य कार्यकर्ता को भी बड़ा काम करने का अवसर देती है। आज मुझे फिर भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया है। मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी आदरणीय विनय सहस्त्रबुद्धे जी, पर्यवेक्षक के रूप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दिल्ली से जिन्होंने कार्रवाई का संचालन किया, श्रीमान अरुण सिंह जी सहित केंद्रीय वरिष्ठ नेतृत्व का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। अपने विधायक भाई और बहनों का भी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सहित प्रदेश नेतृत्व का भी मैं हृदय से आभारी हूँ। मन में संकल्प बस केवल यही है कि जो विश्वास व्यक्त किया है पार्टी ने, उस विश्वास को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं दूंगा। पूरे समर्पण, निष्ठा और परिश्रम पूर्वक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मध्य प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण के लिए
परिश्रम की पराकाष्ठा प्रयत्नों की परिसीमा करूंगा। कोरोना वायरस के खिलाफ भारत में जबरदस्त जंग जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर रविवार को पूरे देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया। इसके बाद देश के उन हिस्सों में लॉकडाउन कर दिया गया है जहां कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इसी लॉकडाउन को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, लॉकडाउन को अभी भी कई लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, कृपया करके अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, निर्देशों का गंभीरता से पालन करें। राज्य सरकारों से मेरा अनुरोध है कि वो नियमों और कानूनों का पालन करवाएं। रविवार को पूरे देश में जनता कर्फ्यू लगा था, लेकिन शाम 5 बजे के बाद कुछ शहरों से जश्न की तस्वीरें सामने आने लगी। पीएम ने इसी को गलत बताया है। ऐसा ही एक वीडियो मध्य प्रदेश के इंदौर से आया था। यहाँ शाम 5 बजते ही लोग थालियां और घंटियां बजाते हुए सड़कों पर रैली नुमा शक्ल में निकल पड़े। महिलाएं नाचते हुए ऐसे जश्न मना रही थी मानो कोई खुशी का मौका आ गया हो। कोरोना वायरस से बचने का सबसे कारगर तरीका है सोशल डिस्टेंसिंग, यानी खुद को दूसरे से अलग कर लेना। जनता कर्फ्यू इसी रणनीति का हिस्सा था ताकि लोग एक दूसरे से दूर रहें। लेकिन कुछ लोगों ने इसको नहीं समझा। इंदौर की तर्ज पर अहमदाबाद और कानपुर से भी वीडियो सामने आए जिसमें भीड़ जुलूस के रूप में सड़कों पर निकली हुई थी। माना जा रहा है कि पीएम मोदी ने इन्हीं वीडियो को देखने के बाद यह संदेश दिया है। मोदी ने अपने संदेश में लिखा है, लॉकडाउन को अभी भी कई लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, कृपया करके अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, निर्देशों का गंभीरता से पालन करें। राज्य सरकारों से मेरा अनुरोध है कि वो नियमों और कानूनों का पालन करवाएं। कोरोना वायरस के चलते संसद की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। बजट सत्र का दूसरा चरण 3 अप्रैल तक चलना था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण समय से पहले ही कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले लोकसभा में कोरोना कमांडोज के लिए सांसदों ने ताली बजाई। इसके अलावा वित्त विधेयक 2020 भी लोकसभा से आज पास हो गया। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए लोकसभा की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसकी घोषणा की। कोरोना के खतरे को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। संसद का बजट सत्र 3 अप्रैल तक चलना था, लेकिन समय से पहले कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। कोरोना कमांडोज के लिए लोकसभा में सांसदों ने ताली बजाई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि कल हमने जो देखा वो भारत की आत्मा थी। डॉक्टरों, सफाई कर्मियों, पुलिस, मीडिया ने जिस तरह से सेवाएं की, उन सबका हम अभिनंदन अभिवादन करते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने ताली बजाकर अभिवादन जताया। स्पीकर ने कहा कि कई राज्यों के सीएम ने ताली बजाई। इस मौके पर विपक्ष साथ आया। वित्त विधेयक 2020 बिना चर्चा के लोकसभा से पास हो गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सांसदों की बैठक में चर्चा हुई थी कि वित्त विधेयक बिना चर्चा के पास होगा। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने मांग की कि कोरोना वायरस के कारण सरकार वित्तीय राहत का ऐलान करे। अधीर रंजन ने कहा कि हिंदुस्तान में त्राही त्राही मची हुई है, अभूतपूर्व स्थिति है। सब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से वित्तीय सहयोग मिले। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला ले लिया है। कोर्ट ने कहा है कि देश भर में मौजूद सभी जेलों में सजा काट रहे वे कैदी जिनकी सजा 7 साल से कम है, उन्हें पेरोल दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बड़े फैसले पर सुनवाई के बाद आदेश देते हुए कहा कि राज्य सरकारें इसे लेकर हाई पावर कमेटी का गठन करें। इस समिति में लॉ सेक्रेटरी, राज्य लीगल सर्विस अथॉरिटी के चेयरमैन, जेल के डीजी को शामिल किया जाए। ये कमेटी तय करेगी कि 7 साल की सजा वाले मामलों में किन सजायाफ्ता दोषियों और अंडर ट्रायल कैदियों को पैरोल या अंतरिम जमानत पर छोड़ा जा सकता है। गौरतलब है कि कोर्ट ने इस मामले में खुद ही संज्ञान लिया है। कोर्ट ने कहा है कि देश भर में मौजूद सभी जेलों में सजा काट रहे वे कैदी जिनकी सजा 7 साल से कम है, उन्हें पैरोल दी जाए। कोर्ट ने कैदियों को 6 हफ्ते के लिए पैरोल देने को कहा है। कोर्ट द्वारा जारी किए गए इस फैसले से जेलों में मौजूद हजारों कैदियों को पैरोल मिलने का रास्ता साफ हो गया है। कोरोना का खतरा दिन पर दिन बढ़ रहा है। देश में अब तक तकरीबन 425 मामले सामने आ चुके हैं, वहीं 8 लोगों की मौत हो चुकी है। समय है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। Life is about to change, eh? No more 8 ghante ki neend, no more late night movies, no more parties with friends. Bilkul sahi kaha tumne. Iske future ke liye ab no more holidays,
नो मोर शॉपिंग और नो मोर फिजूल का खर्च। लेकिन अगर इसका फ्यूचर ऑलरेडी सिक्योर्ड हो तो रियली डैडी बने हो, देवदास नहीं, जीना छोड़ दूंगा, हॉलीडेज छोड़ दूंगा। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। क्यूट वाले मेहमान से पहले LIC। बाकी सब बाद में, पहले सुन मेरी बात रे। लाइफ के टेढ़े मेढ़े रोड पे होंगी चुनौतियाँ हर एक मोड़ पे, बट हमने कभी ना फिकर की, पर हमने कभी ना फिकर की, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC। स्टार्टअप का सपना, एक घर हो अपना, फॉरेन की डिग्री और छुट्टी विद जिगरी है, मेरे ड्रीम्स न जाने कितने 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 कितने, पर हमने कभी ना फिकर की, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, पहले LIC। ऋषि, ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जिंदगी के सभी खतरों से बचाना है। फिर तो मेरी लाइफ खतरे में है, क्योंकि जो कॉकरोच से डर जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा। वेल, कॉकरोच छोड़कर तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम सिक्योर है। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, फॉरएवर वाले रिलेशनशिप से पहले LIC। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। वैश्विक महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस के खिलाफ प्रशासन सहित जनता भी अब सजग हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का लोगों ने समर्थन किया और खुद को घरों में बंद कर लिया है। पूरे प्रदेश में लॉकडाउन जैसी सिचुएशन बनी हुई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सभी जिलों ने जनता कर्फ्यू का समर्थन किया है। जनता कर्फ्यू के दूसरे दिन भी सड़कों पर आवाजाही ना के बराबर रही। भोपाल में कोरोना पॉजिटिव युवती मिलने के बाद भोपाल को लॉकडाउन कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य अमला पूरी तरह मुस्तैद है। जगह जगह पुलिस चेकिंग पॉइंट बना दिए गए हैं। पुलिस ने लोगों को समझाइश दी है कि जब तक अति आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें। पुलिस के इस कदम की हर जगह तारीफ की जा रही है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन द्वारा एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। भोपाल में सड़कों पर बेवजह घूम रहे लोगों को पुलिस द्वारा घर में रहने की सलाह दी जा रही है। प्रशासन द्वारा 31 मार्च तक बंद और लॉकडाउन किया गया है। कोरोना वायरस ने महामारी का रूप ले लिया है, लोग उसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। पुलिस को चप्पे चप्पे पर निगरानी रखनी पड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था जनता कर्फ्यू बहुत जरूरी है, जनता कर्फ्यू रहेगा तो इस संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सकता है, लेकिन पब्लिक गंभीरता से नहीं ले रही है। इस पे हम बात करेंगे DSP ट्रैफिक से। DSP सर, हम देख रहे हैं कि बहुत मुस्तैदी से आपकी पूरी फोर्स लगी हुई है जगह जगह चप्पे चप्पे पर, लेकिन फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं है, बहस करते हैं। जी हाँ, हमारी कोशिश है कि लॉकडाउन का 100% पालन कराया जाए और इस स्थिति में जो इमरजेंसी सेवाएँ हैं उसमें लगने वाले अधिकारी कर्मचारी और इमरजेंसी स्थितियों में अस्पताल जा रहे जनता के लोगों को हम बराबर छोड़ रहे हैं। ऐसी सिचुएशन सामने में आ जाती है कि बहुत इमरजेंसी है तो पुलिस आपको जाने देगी, लेकिन बेवजह आप सड़कों पर घूमने ना निकलें। कोरोना वायरस एक महामारी है, इसको गंभीरता से समझिए। जश्न नहीं है, सड़कों पर घूमने का दिन नहीं है। क्या कहना है सर इस पे कि लोग बेवजह का एक तर्क देते हैं कि हम बस यहीं तक जा रहे हैं या वहां से आ जाएंगे, किस तरीके की? जी हां, अनावश्यक तर्क रखते हैं लोग जिनका कोई औचित्य नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पिछले 72 घंटों में लगातार लॉकडाउन के लिए सभी को जो है जागरूक कर रहे हैं, परंतु लोग आसानी से उसका पालन नहीं करना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर सख्ती के साथ जिनको आवश्यकता नहीं है कि वो निकले हैं उनको रोका जा रहा है। सर, लॉकडाउन का सही अर्थ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ये चाहूंगी कि आप लॉकडाउन का सही अर्थ एक बार हमारे कैमरा पे बताएं। लॉकडाउन का सीधा सीधा मतलब है आप अपने घर में सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, ताकि जो कोरोना वायरस है ये फैलने ना पाए, आप उसके वाहक ना बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जनता कर्फ्यू के बाद शाम 5 बजे देखा गया कि थाली बजाने और घंटी बजाने के लिए लोग सड़कों पर जश्न की तरह उतर आए।
ऐसा नहीं था कि 5 बजे कोरोना खत्म हो गया या मर गया और जश्न मनाने वाली बात हो गई। आपको घर पर ही रुकना होगा, अपने आप को सुरक्षित रखना होगा, उसके बाद ही सब सुरक्षित रह सकते हैं। शेफाली गुप्ता, कैमरामैन तरुण यादव के साथ, भोपाल। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनता कर्फ्यू का समर्थन देखने को मिला। पंखाजूर में लोग सुबह से ही घर से नहीं निकले, पूरे क्षेत्र में सन्नाटा पसरा रहा। तभी दुकानें और बाजार बंद रहे। जो कुछ छुटपुट दुकानें खुली थी उनको भी तहसीलदार की समझाइश देने पर बंद कर दिया गया। तहसीलदार शेखर मिश्रा ने बताया कि लोगों को समझाइश दी जा रही है कि खुद को सुरक्षित रखने के लिए घर में रहें। कोरोना वायरस जो एपिडेमिक है उसके संदर्भ में हमने शहर के सभी माननीय जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों को, व्यवसायियों को बुलाया था थाने में। आज एडिशनल एसपी सर और अनुभागीय अधिकारी राजस्व महोदय के नेतृत्व में सबको समझाइश दी गई है कि कैसे इस रोग से बचा जा सकता है, क्या प्रिवेंटिव उपाय हों और सरकार क्या कर रही है उसे रोकने और रोकथाम के लिए। सिवनी के लखनादौन में भी कोरोना के खिलाफ लोगों ने पीएम मोदी का समर्थन किया। इस दौरान शहर पूर्णतः बंद रहा। शहर की सीमाओं से आने वालों की जाँच की गयी। लोगों को समझाइश देकर घर में रहने को कहा गया। इलाज मतलब चेकअप कराने अपन घर जा रहे हैं। तो कहाँ से आए हैं आप? मैं इधर पुणे गया था, पुणे जबलपुर खाली करके घर जा रहा हूँ तो चेकअप कराने। एक्चुअली मैं बाहर से आई हूँ, मैं बाहर पे रहती हूँ, मैं वहाँ पे स्टडी कर रही हूँ प्लस वर्क करती हूँ, कॉन्टेक्ट ऑक्यूपेशन से हूँ मैं। तो मुझे यहाँ पे, मैं जैसे ही घर आई तो मुझे वहाँ से भिजाया गया है कि एक बार आप चेकअप करवा लीजिएगा। मैं अपना सफ़र ऑलरेडी फ्लाइट से करके आई हूँ तो मुझे फ्लाइट ने ऑलरेडी मेडिकल दिया है। उसके बाद भी मेरी फैमिली मतलब कि मोहल्ले में पड़ोस में जिसको भी लगता है जैसा भी है, तो मुझे उचित लगा कि एक बार मुझे फिर अगेन चेकअप करवा लेना चाहिए, तो मैं चेकअप करवा लिया। छिंदवाड़ा में पूरी तरह बंद का असर देखने को मिला। जहां जनता कर्फ्यू को ऐतिहासिक समर्थन मिला है, कोरोना वायरस को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है। पुलिस लगातार लोगों को समझाइश दे रही है कि लोग घरों से ना निकले, कोई विशेष परिस्थिति बने तो ही घर से निकले। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए संत हिरदाराम नगर की सड़कें सूनी पड़ी रही। जिला प्रशासन लगातार मुस्तैद रहा और लोगों से अपने घर में रहने की अपील की गई। इक्का दुक्का ही लोग सड़कों पर दिखे। जगह जगह पुलिस बल को तैनात किया गया है और पेट्रोलिंग भी पुलिस द्वारा अंदरूनी इलाकों में करवाई जा रही है। सुकमा में नक्सलियों के हमले में शहीद हुए 17 जवानों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रद्धांजलि दी और नक्सलवादियों से सख्ती से निपटने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बघेल ने लोगों से कोरोना को लेकर किए गए लॉकडाउन का पालन करने को भी कहा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, विधायक मोहन मरकाम, केंद्रीय गृह मंत्रालय के वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार विजय कुमार और पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने सुकमा पुलिस लाइन में सुकमा नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन को गंभीरता से पालन करने के लिए भी कहा गया। नक्सली और हमारे जवानों के बीच ज़बरदस्त मुठभेड़ हुई, घंटों फायरिंग होती रही है और बहुत ही बहादुरी से हमारे जवान लड़े। मुझे उन पर बेहद गर्व है, लड़ते लड़ते वो अपने प्राणों की आहुति दिए। उनके जो शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी। हमारे जवानों से बातचीत में ये पता चला, जो घायल जवान हैं अनेक नक्सली भी लगातार गिरते रहे। मैं पूरे परिवार के साथ, छत्तीसगढ़ सरकार खड़ी हुई है, हर परिस्थिति में उनको सहयोग देगी। लेकिन उनके जो कमी है उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ, लेकिन ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे जवानों की जो हौसला है उसको मैं सलाम करता हूँ। धुर नक्सल प्रभावित सुकमा जिले के चिंतागुफा थाना क्षेत्र के मिनपा कसालपाड़ इलाके में शनिवार को हुई मुठभेड़ में लापता 17 जवानों के शव रविवार को बरामद कर लिए गए। रविवार को इनकी तलाश के लिए 500 जवानों की टीम को भेजा गया था। मौके से जवानों के शव बरामद हुए हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमले में शहीद हुए सिवनी के जवान नारद निषाद का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा।
जहां लोगों ने उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन किए। इस दौरान पूरे क्षेत्र में मातम पसरा रहा। सुकमा नक्सली हमले में शहीद हुए जवान नारद निषाद का पार्थिव शरीर गृहग्राम सिवनी पहुंचा। पार्थिव शरीर के पहुंचते ही गांव गमगीन हो गया। लोगों ने नम आंखों से शहीद जवान के अंतिम दर्शन किए। जैसे ही शहीद जवान की पत्नी और बच्चों ने शव देखा, वे बेसुध हो गए। शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए हजारों की संख्या में लोग उनके पैतृक गांव पहुंचे। इस दौरान मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। शहीद जवान के अंतिम दर्शन के लिए आमजन के साथ पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। इधर एक ही और शहीद जवान गीत राम राठिया का पार्थिव शरीर रायगढ़ के बिनोवा नगर आया, जहां शहीद जवान के परिवार के साथ साथ गांव वालों ने अंतिम दर्शन किए। दोनों शहीद जवानों का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसमें तकरीबन हमारे पुलिस बल के 17 जवान जो शहीद हुए थे, उसमें रायगढ़ जिले के गीताराम राठिया जो प्लाटून कमांडर थे, वो ग्राम सिंगनपुर जिला थाना रहने वाले थे, जो सुकमा से उनके पार्थिव शरीर रायगढ़ लाया गया था। और अभी उनके जो रायगढ़ में जो निवास है भोईर दादर में, वहाँ पे अंतिम दर्शन उनका सम्मान उसे उनके गृह ग्राम सिंगनपुर रवाना किया गया है, जहाँ उनके अंतिम यात्रा और अंतिम विदाई वहाँ पे। परासिया में ऑटो से कीमती लकड़ियां तस्करी करने का मामला सामने आया है। वन विभाग ने छापामार कार्रवाई करते हुए ऑटो से लकड़ियों की सिल्लियां जब्त की हैं। परासिया के वन विभाग ने लकड़ियों की सिल्ली की जब्ती की है, जिसकी कीमत लगभग 36,000 बताई जा रही है। बहुत दिनों से वन विभाग की टीम लकड़ी का अवैध कारोबार करने वालों पर निगाह रखे हुई थी। सूचना मिलने पर एक ऑटो को घेरा गया, जिसमें लकड़ी की सिल्लियों की तस्करी की जा रही थी। परासिया में अवैध लकड़ी की कटाई तस्करी बढ़ती जा रही है। सूचना मिलने पर हमको ये ज्ञात हुआ कि बड़कुई से परासिया मार्ग पर एक ऑटो में सागुन की चिरान जा रही है। तो हमारे वन स्टाफ ने, जो परासिया का स्टाफ है और बीट गार्ड है और अन्य स्टाफ की कर रहा था, वेट कर रहा था, तो उनको यहाँ पे मस्जिद चौक पे ऑटो हमने रोका। तलाशी लेने पे हमको सागुन चिराई प्राप्त हुई। तो जो वाहन चालक है शेख सलमान और इसमें जो आरोपी है निसार वल्द रकीफ अहमद द्वारा 6 नग सागुन, उसका घन मीटर है 0.25 cm और उसकी कीमत लगभग 35,000 आकी जा रही है। और उनके विरुद्ध अभी हमने अपराध पंजीबद्ध कर दिया है और राजस्व की कार्रवाई हेतु हमने प्रकरण तैयार कर दिया है और आगे इस पर कार्रवाई जारी है। समय एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। लाइफ इज अबाउट टू चेंज है। नो मोर 8 घंटे की नींद, नो मोर लेट नाइट मूवीज, नो मोर पार्टीज विद फ्रेंड्स। बिल्कुल सही कहा तुमने। इसके फ्यूचर के लिए अब नो मोर हॉलीडेज, नो मोर शॉपिंग और नो मोर फिजूल का खर्च। लेकिन अगर इसका फ्यूचर ऑलरेडी सिक्योर्ड हो तो? रियली? डैडी बने हो? देवदास नहीं, जीना छोड़ दूंगा, हॉलीडेज छोड़ दूंगा। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। क्यूट वाले मेहमान से पहले LIC। बाकी सब बाद में, पहले सुन मेरी बात रे। लाइफ के टेढ़े मेढ़े रोड पे होंगी चुनौतियाँ हर एक मोड़ पे, बट हमने कभी ना फिकर की, पर हमने कभी ना फिकर की, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC। स्टार्टअप का सपना, एक घर हो अपना, फॉरेन की डिग्री और छुट्टी विद जिगरी है, मेरे ड्रीम्स न जाने कितने 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 कितने, पर हमने कभी ना फिकर की, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, पहले LIC। ऋषि, ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जिंदगी के सभी खतरों से बचाना है। फिर तो मेरी लय खतरे में है, क्योंकि जो कॉकरोच से डर जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा? वेल, कॉकरोच छोड़कर तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम सिक्योर है। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। फॉरएवर वाले रिलेशनशिप से पहले LIC।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस की दहशत इस समय पूरी दुनिया में है, ऐसे में सरकार और डॉक्टर्स की सलाह रामबाण साबित हो सकती है। प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर जेपी पालीवाल का कहना है, इस खतरे से बचा जा सकता है, बस लोगों से दूरियां बनाकर चलें। एक पुरानी कहावत है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ऐसा ही कुछ मामला कोरोना वायरस को लेकर भी है। इस समय प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर जेपी पालीवाल हमारे साथ में। हम डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करते हैं, क्या एहतियात बरतें हैं लोग सबसे पहले? देखिए, इस वक्त की जो सबसे बड़ी चीज़ है वो तो है बहुत बड़ी आशंका, भय भ्रम और शंका, और आशंका कुशंका। तो कहीं ना कहीं हमको भय भ्रम आशंका कुशंका से अलग हटकर थोड़े अपने आत्मबल को बढ़ाते हुए हमें ये समझना पड़ेगा कि कोरोना की सुरक्षा के लिए क्या गाइडलाइंस गवर्नमेंट के हैं। इसमें मेन बहुत छोटी छोटी बातें करूँगा अनुराग जी आपसे, कि एक तो बहुत लोगों में ये भ्रम है कि सैनिटाइज़र बहुत इफेक्टिव है। यदि सैनिटाइज़र की क्वालिटी में 70% से अल्कोहल कम है तो फिर वो उसकी इफेक्टिविटी कम होती है। लेकिन लोग अक्सर मैंने देखा है कि जब उनको सैनिटाइज़र दो तो दो बूंद ऐसे ऐसे करके निकल जाते हैं। सैनिटाइज़र के लिए मैं एक संक्षिप्ततम चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी लें कम से कम 3 से 4 ग्राम लें। पहले दोनों हथेलियों को ऐसे मालिश करें, फिर उसके बाद उंगलियों को ऐसे ऐसे करें, फिर इस उंगली को ऐसे ऐसे करें, फिर ऐसे अंगूठे को पूरा ऐसा करें, फिर हर एक उंगली पर सैनिटाइज़र अच्छे से लगाने के बाद दोनों हाथ की, फिर इस हथेली से इन उंगलियों के टिप्स को रगड़ें, इस हथेली से इन टिप्स को रगड़ें, और फिर कोहनी तक, मतलब कलाई तक पूरा का पूरा। सिर्फ रस्मदाईगी नहीं, सर लोग रस्मदाईगी कर रहे हैं, गलत है। दूसरा, जो सोशल मीडिया में जो जोक्स और वो सब कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए, इसे बहुत गंभीरता से लेने का विषय है। जोक्स में तो जब प्रधानमंत्री जी ने अपील की कि पब्लिक कर्फ्यू होना चाहिए, इसका भी मजाक उड़ाया लोगों ने, ये बहुत गलत चीज़ है, लोग इसकी गंभीरता को नहीं ले रहे हैं। मैं एक सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूँ, इटली में स्वास्थ्य सेवाओं का क्रमांक पहले 5 में है, हिंदुस्तान की स्वास्थ्य सेवाओं का क्रमांक 100 के बाद है। यदि हमसे 20 गुना बेहतर जिस देश में स्वास्थ्य सेवाएँ हैं, उस देश के लोगों ने इस बीमारी को लाइटली लिया, वहाँ का भयावह दृश्य सबके सामने है, विस्तृत चर्चा की आवश्यकता नहीं। दूसरा, मैं मास्क के बारे में कहूँगा कि लोग मास्क के बारे में बहुत भ्रम फैला रहे हैं, जो स्तरहीन मास्क है वो नहीं पहनना चाहिए। सामान्यतः अब लोगों को कपड़े के मास्क पर आना चाहिए, 2 कपड़े के मास्क बनवाएं, लेकिन उसमें भी मैं एक ही बात बोलूँगा कि कपड़े के मास्क में एक साइड पर लोग A लिख लें, अंदर की साइड पर लोग B लिख लें। अक्सर हम ये देखते हैं कि जब लोग मास्क पहनते हैं, उठाया मास्क पहना, खाना वाना कुछ लिया, उसके बाद फिर से मास्क पहन लिया, तो अंदर की सतह कई बार बाहर और बाहर की सतह कई बार अंदर, यह सावधानी कतई नहीं रखते। तो उन्हीं के मास्क पर बाहर का कीटाणु जब वो सतह अंदर चली जाएगी तो उनके लिए घातक होगा। ये बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण। मास्क कपड़े के लिए, अच्छी क्वालिटी का कपड़ा है, सूती कपड़ा है, उसका मास्क लें, अच्छे से पहनें, और उसकी सतह बार बार बदल कर नहीं पहनें। और ये जागरूकता रखें कि अंदर की सतह अंदर, बाहर की सतह बाहर है। यदि बाजार में जो मास्क इस वक्त मिल रहे हैं, शॉर्टेज की वजह से कीमतें बहुत हैं, तो इससे मैं समझता हूँ कि उनको खर्च भी बचेगा और उनकी सुरक्षा भी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने जो इनिशिएटिव लिए हैं, और जिस तरह आज भी उन्होंने ट्वीट किया है कि लोग चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, कुछ लोगों ने कल थाली और ताली बजाने के नाम पर जुलूस निकाल दिया, उसका भी उन्होंने विरोध किया है। निश्चित तौर पर देखिए, किसी की भी प्रशंसा में यदि प्रधानमंत्री ने अपील की है कि प्रशंसा में या उत्साहवर्धन में कुछ काम करें, तो उन्होंने साथ में ये भी अपील की थी कि घर के छत पर या बालकनी में खड़े होकर करें, सड़क पर इस तरह का नाच करने और सड़क पर इस तरह खुशियां जाहिर करने का प्रधानमंत्री ने आह्वान नहीं किया था। प्रधानमंत्री हमारे देश के मुखिया हैं। यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी की इस वक्त की पहल को यदि मैं देखूं, तो मैं सच में उनको प्रणाम करता हूं उनकी पहल को, कि इतनी अच्छी पहल है। लेकिन एक मुखिया की शब्दशः बात मानना इस देश के प्रत्येक नागरिक का परम कर्तव्य होता है। आंख बंद करें, नीति और राजनीति से अलग हटकर इस वक्त देश नीति, लोक नीति, राष्ट्र नीति और सबके भले में अपना भला, इस आधार पर मैं समझता हूँ कि जनता को प्रधानमंत्री के निर्णयों के पीछे खड़ा होना ही पड़ेगा, होना चाहिए। और यदि इसमें राजनीति हुई, किसी प्रकार का इसमें अलग अलग दलों का भेदभाव हुआ, तो इसके परिणाम और ज़्यादा खतरनाक होंगे। एक सामान्य सी चीज़ लोग ये जानना चाहते हैं एक डॉक्टर से, कि हम बात करें तो कितनी दूरी से करें, हमारा बिहेव कैसा होना चाहिए, हाथ नहीं मिलाएं, नमस्ते करें, कई सारी चीज़ें आई हैं जो हमारे दर्शन से जुड़ी हुई हैं। देखिए, सामान्य तौर पर यदि हम डिस्टेंसिंग की बात करें तो ये मिनिमम 1 मीटर होना चाहिए, परंतु कई बार 1 मीटर पर जब हम सामने वाले से बात करते हैं तो हमारा आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता, ऐसे में कई बार हम फोकस नहीं कर पाते, वो एक अलग चीज़ है। थोड़ी बहुत देर के लिए यदि बहुत ज़रूरी है, क्राउड बहुत है, तो यदि पास रहते हैं तो अच्छी बात है, वरना मैं समझता हूँ कि दूर ही रहना चाहिए।
और प्रत्येक व्यक्ति को ये समझकर चलना चाहिए कि उसके कपड़े पर, उसके मास्क पर, उसके चेहरे पर भी कोरोना हो सकता है और सामने वाले के भी कपड़े, मास्क या चेहरे पर कोरोना हो सकता है। यदि वो ये दिमाग में रखकर चलेगा तो मैं समझता हूँ वो ज़्यादा सतर्क और ज़्यादा जागरूक होकर सामाजिक और पारिवारिक व्यवहार और लोगों के बीच में और व्यापारिक व्यवहार में, मैं समझता हूँ दूरी के साथ साथ सावधानी खुद की भी और सामने वाले की भी सुरक्षा के लिए दायित्व उसका सामने रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर जेपी पालीवाल साहब बता रहे थे कि इस समय थोड़ी सी दूरियां बनाए, हालांकि हमारी जो संस्कार संस्कृति है वो दूरी की बात नहीं करती, लेकिन फिलहाल कोरोना से अगर पर्याप्त दूरी बनाना है तो आपस में भी थोड़ी दूरी बनाकर चलें। अनुराग उपाध्याय, दखल न्यूज़, भोपाल। कोरोना का खतरा जरूर है लेकिन उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, यह कहना है प्रसिद्ध होम्योपैथिक डॉक्टर संदीप अग्रवाल का। कोरोना भी दूसरे वायरस की तरह है, बस आप अपने रूटीन में थोड़ा सा रद्दो बदल करके कोरोना को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। कोरोना वायरस एक महामारी है जिसके चलते सिर्फ डॉक्टर्स एक ही बात कह रहे हैं, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। हमारे साथ होम्योपैथ विद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर संदीप अग्रवाल हैं, हम उनसे जानेंगे कि कोरोना वायरस से क्यों ना डरें। डॉक्टर साहब, कोरोना वायरस है, लोग घबरा रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स बार बार एक ही बात कह रहे हैं डरना नहीं है, तो क्यों नहीं डरना? डरना इसलिए नहीं है कि कोरोना, जैसे आप खुद ही कह रहे हैं कि ये वायरल डिजीज़ है, और जितनी भी वायरल डिजीज़ होती हैं वो सारी सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ होती हैं। सेल्फ लिमिटिंग का मतलब ये होता है कि ये खुद से ही आती हैं और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद खुद चली जाती हैं। बाई एनी चांस अगर ये मान भी लिया जाए कि हमारे यहाँ पर कुछ कोरोना पॉजिटिव हैं या ऑल ओवर इंडिया में उनका रेशियो अगर आप देखें तो परसेंटेज वाइज 135 करोड़ हिंदुस्तानियों में जो मोर्टिलिटी रेट है, जो अभी इन्फेक्टेड पेशेंट्स आपको मिल रहे हैं, वो अगर उसका परसेंट निकाले तो कितनी ज़ीरो आप आगे लगाएंगे आप खुद भी नहीं कह सकते। दूसरी बात, जब सेल्फ लिमिटिंग ये डिज़ीज़ है, वायरल डिजीज़ हैं, तो यदि कोई व्यक्ति इससे अगर पीड़ित भी है और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो है 5 से लेकर 24 दिन या 14 दिन, इस बीच अगर किसी को ये सस्पेक्ट मरीज़ है, अगर आप उसको सिर्फ आइसोलेट कर देंगे तो ये बगैर किसी दवाओं के, बगैर किसी ट्रीटमेंट के, सिर्फ और सिर्फ आइसोलेशन से आप इसको दूर कर सकते हैं। तो कौन सी बड़ी बात है, बहुत सारी वायरल डिजीज़ होती हैं, स्वाइन फ्लू उसमें से है, कि डेंगू उसमें से है, कि सार्स हुआ है, मार्स हुआ है, ये कोरोना है। और कोरोना की बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ सा, चूँकि क्लाइमेट हमारे यहाँ का ऐसा है, कोई भी वायरस या कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजेंस जो होते हैं, जो बीमारी को उत्पन्न करते हैं, उनको भी एक पर्टिकुलर एक एनवायरमेंट चाहिए होता है जिसमें वो अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, ग्रो करते हैं। और हमारा जो भारत का जो क्लाइमेट है, जो एटमॉस्फेयर है, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, इसलिए भी नहीं डरना है। दूसरी बात, हमारे यहाँ तो वैसे ही भारतीय परंपरा में हम प्रणाम बात करते हैं, नमस्कार बात करते हैं, एक दूसरे से हाथ भी नहीं, शेकहैंड नहीं करते, इसलिए भी नहीं डरना है। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनसे लोग, हाँ, व्हाट्सएप जो आजकल गलत आपको जानकारियाँ दे रहे हैं, इंटरनेट पर जो आपको गलत जानकारियाँ हैं, कुछ मेडिकल पर्सनल्स भी मैंने देखे हैं वो भी आपको गलत जानकारी दे रहे हैं। तो डरने से बेहतर है आप अपने आप का बचाव करिए, क्योंकि वायरस जो डिजीज़ जितनी भी होती हैं वो खुद से आती हैं और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रेजिस्टेंट आपकी बॉडी में बना के, एंटीबॉडीज़ बना के स्वयं चली जाती हैं, इसलिए उससे बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। साथ में अगर आपका हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा, पानी खूब ज़्यादा पिए आप, तब भी आप बीमार नहीं होंगे। जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिनका रेजिस्टेंस पावर कम है, उनको ये बीमारी अटैक कर रही है। आप अपना, आपको जो हमारे घर में तुलसी है, तुलसी, हम, मुझे याद है कि मंदिर में जब मैं जाता था बचपन में तो जो चरणामृत होता था उसमें तुलसी के पत्ते होते थे, आज लोग भूल गए हैं, तुलसी का पानी पिए, ना आपको किसी सैनिटाइज़र की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घर में जब हम जाते हैं तब हाथ धो के जाते हैं, आज भी हमारे घर में अलाउड नहीं कि हम अपने घर में चप्पल पहने। छोटी जो हमारी भारतीय परंपराएँ हैं उनका निर्वहन करें, फिर कोरोना तो क्या, दूर दूर तक किसी वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, वुहान से शुरू हुई ये बीमारी, इटली में सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं, अमेरिका में भी मौतें हुई हैं, इसकी कोई दवाई पर्टिकुलर क्या है, इसका क्या इलाज है, ये अभी तक नहीं मिला है। कई मौतें हमारे भारत में भी 6 से 7 मौतें हो चुकी हैं इस डिज़ीज़ की वजह से, तो क्या एहतियातन तौर पर दवाई ली जा सकती है? अभी तक तो कोई ऐसी दवाई आई नहीं है, लेकिन हम क्या ऐसा ले सकते हैं जिसकी वजह से हम इससे कुछ रक्षा कर सकें? ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। होता क्या है कि आपने एंटीबायोटिक्स तो बहुत सुनी होंगी कि पर्टिकुलर कोई बीमारी में ये एंटीबायोटिक्स दे दें, हम ये एंटीबायोटिक्स दे दें। एंटी एंड बायोटिक्स, एंटी मींस अगेंस्ट में और बायोटिक्स मींस जो बैक्टीरिया, तो जितनी भी जो बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं, जैसे टाइफॉइड है,
ट्यूबरक्लोसिस है या जैसे मलेरिया होता है, ये पैरासाइट से होता है, तो एंटी मलेरियल आपको मिलेंगी। आपने लेकिन एंटी वायरल मेडिसिन बहुत कम सुनी होंगी, क्योंकि आप उसको आप ऐसा समझिए कि कोई भी बैक्टीरिया जब आपको अटैक करता है तो हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि पर्टिकुलर बैक्टीरिया ने आपको ये अटैक किया है और उसके अगेंस्ट में हमारे पास उसके लिए एंटीबायोटिक है। लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन बहुत ही कम हैं और या ना के बराबर हैं, और हैं भी तो पर्टिकुलर जो भी वायरस से आप अफेक्ट हुए हैं उसके अगेंस्ट में नहीं है जैसे एंटीबायोटिक होती है। लेकिन बीइंग अ होम्योपैथ आई एम वेरी हैप्पी टू से कि मैं होम्योपैथ हूँ, और होम्योपैथी में इससे बेहतर आज अगर ये जैसे हम लोग भी दवाएं बांट रहे हैं तो होम्योपैथी में हम लोग चूँकि बात बैक्टीरिया या वायरस की नहीं करते, हम सिर्फ लक्षणों पर आधारित अपना ट्रीटमेंट करते हैं, और हमारे पास खजाना है जितनी भी पहले भी जो एपिडेमिक्स एंडेमिक्स और इवन पेंडेमिक्स हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो कारगर सिद्ध हुई है वो होम्योपैथी हुई है। क्यों हुई है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंटीवायरल दवा ऑल ओवर द वर्ल्ड है ही नहीं, ना कोरोना की ना स्वाइन फ्लू की या जो दूसरे वायरसेस की। तो अब जब कोई भी लक्षण हमारे पास आते हैं, हमको कोरोना से मतलब नहीं है, हमको स्वाइन फ्लू से मतलब नहीं है, हमको डेंगू से मतलब नहीं है, हमको मलेरिया से मतलब नहीं है। आपके क्या होता क्या है कोरोना या कोई भी वायरल डिजीज़ में, उसके कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जैसे बॉडी एक। सबसे पहला जो कई बार शरीर में थकावट सी होती है, मैलेज होता है, बॉडी एक होता है, साथ में फीवर हो सकता है, और इन सबके साथ जितनी भी वायरल डिजीज़ होती है वो ज़्यादातर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है, श्वास तंत्र जो है उस पर ज़्यादा काम करती है, जिसमें छींकें आना, सर्दी जुकाम होना। लेकिन कोरोना, अच्छा कोरोना का भी अभी बहुत लिटरेचर हमारे पास कहीं नहीं है। मतलब होता क्या है कि जब भी कोई बीमारी होती है उसमें बीमारी के संबंध में ऑल ओवर द वर्ल्ड रिसर्च होते हैं और फिर उनको लिपिबद्ध करके टेक्स्ट बुक में आता है। अभी चूँकि कोरोना जिस तरह से फैल रहा है पूरे वर्ल्ड में तो उतना बेहतर लिटरेचर भी नहीं है, लेकिन चूँकि वायरल डिजीज़ है और वायरल डिजीज़ में जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो कोरोना में भी है, लेकिन बैक्टीरिया के कंपैरिजन में जो वायरल डिजीज़ होती हैं वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करती हैं। तो एक ही उसमें ट्रीटमेंट है कि पहली बात तो जो कोई भी मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि किस पैथी में दवा इसकी है या किस में नहीं है, लेकिन हाँ सिम्टोमेटिक आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन होम्योपैथी में इसका बचाव भी है और उसका उपचार भी है। और चूँकि कोरोना अभी अभी ही जिस तरह से ये हुआ है, अब इसकी इस पर शोध होगा, इसमें जो भी वैक्सीन बनेंगे, इसमें टीके बनेंगे, लेकिन वो चूँकि 2-5-10 महीने भर का काम नहीं होता है, ये बहुत एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें ट्रायल्स भी होंगे, लेकिन तब तक क्या करें, तब तक आप अपना उपचार करिए, बचाव करिए, और डेफिनेटली होम्योपैथी और आयुर्वेद। आयुर्वेद में मैं ऐसा मानता हूँ कि तुलसी, हम घर में जिस तरह से उसको हमने जगह दी हुई है, ऑसिमम सेंटम जिसकी आप क्यू लेकर आ सकते हैं, उसका टिंचर आप लेके आ सकते हैं, अगर नहीं भी लेके आ सकते तो घर में जस्ट आप रोज़ पानी में उसको उबालिए, सबको सेवन कराइए, मुझे नहीं लगता कि कोरोना तो क्या कोई भी वायरल डिजीज़ आपको टच भी कर पाएगी। अभी स्टेज की बात की जाती है कि कोरोना की स्टेज है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अभी भारत में अगर हम बात करें तो कोरोना किस स्टेज पर है? मैंने जैसा भी कहा है कि फिलहाल कोई भी ऑथेंटिक लिटरेचर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जो भी हम कोई भी जब लिटरेचर पढ़ते हैं तो हमारे पास पूरी बीमारी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है और किस रूप में ख़त्म होती है, तो ये हमारे पास पूरा एक डाटा होता है, पूरा लिटरेचर होता है, और ये एक दिन का काम नहीं है, 2 दिन का काम नहीं है, 2 महीने का काम नहीं है। आपने कुछ कहा, इन्होंने कुछ कहा, इटली में कुछ और इसके सिम्टम्स आए, चाइना में कुछ और सिम्टम्स आए, अमेरिका में कुछ और सिम्टम्स आए, इंडिया में कुछ और सिम्टम्स आए, तो सारे वेक सिम्टम्स हैं, लेकिन जो कॉमन सिम्टम्स जो मिल रहे हैं वो डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, डिस्निया, हाई ग्रेड टेम्परेचर, ये 2 चीज़ें हैं। और स्टेज की जहाँ तक बात है कि जो मैं कल रविवार को जिन्होंने कहा कि आप सेल्फ क्वारंटाइन रहें या आइसोलेट करके रखिए, तो जो अभी जिस मीडिया के आधार पर या जो भी अवेलेबल लिटरेचर है उसके आधार पर यदि मैं बात कहूँ तो जो इसकी जो चेन है ये 12 घंटे तक ये वायरस जो सर्वाइव कर सकता है कहीं पर भी। अगर 12 घंटे के बाद अगर आप किसी को टच करोगे तो वहाँ पर वो वायरस भी नहीं रहने वाला है। तो अभी जो देश के हित में, स्वयं के हित में, समाज के हित में, एक से दूरी, दूसरे से दूरी बना के रखें और किसी भी
सिर्फ शेक हैंड की मैं बात नहीं कर रहा, सिर्फ हाथ मिलाने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पब्लिक टॉयलेट्स हैं या जो भी जहाँ बार बार कोई चीज़ें टच होती हैं, जो रेल के गेट्स हैं या लिफ्ट्स हैं या कोई भी, मतलब आपकी इवन कार का स्टेयरिंग है, आप अपनी कार में भी एक सैनिटाइज़र रखिए, क्योंकि हो सकता है कभी आपने चलाई, कभी आपके ड्राइवर ने चलाई, कभी किसी और ने चलाई है, तो आप सैनिटाइज़र रखिए, अपने आप को स्वच्छ रखिए और खुश रहिए। ये थे होम्योपैथ विश्वविद्यालय के डॉक्टर संदीप अग्रवाल, जो हमको बता रहे हैं कि कोरोना से डरना नहीं है, अपने आप को सुरक्षित रखिए, बार बार हैंड सैनिटाइज कीजिए, बार बार हाथ धोइए, सुरक्षित रहिए और कोरोना से बिल्कुल मत डरिए। कैमरामैन तरुण यादव के साथ शेफाली गुप्ता, दखल न्यूज़ भोपाल। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए दखल न्यूज़, दखल आपके हक में। लाइफ इज अबाउट टू चेंज है, नो मोर 8 घंटे की नींद, नो मोर लेट नाइट मूवीज, नो मोर पार्टीज विद फ्रेंड्स। बिल्कुल सही कहा तुमने, इसके फ्यूचर के लिए अब नो मोर हॉलीडेज, नो मोर शॉपिंग और नो मोर फिजूल का खर्च। लेकिन अगर इसका फ्यूचर ऑलरेडी सिक्योर्ड हो तो? रियली? डैडी बने हो, देवदास नहीं, जीना छोड़ दूंगा, हॉलीडेज छोड़ दूंगा। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, क्यूट वाले मेहमान से पहले LIC। बाकी सब बाद में, पहले सुन मेरी बात रे। घर हो अपना, फॉरेन की डिग्री और छुट्टी विद जिगरी, है मेरे ड्रीम्स न जाने कितने 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 कितने, पर हमने कभी ना फिकर की, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, पहले LIC। ऋषि, ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जिंदगी के सभी खतरों से बचाना है। फिर तो मेरी लय खतरे में है, क्योंकि जो कॉकरोच से डर जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा? वेल, कॉकरोच छोड़कर तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम सिक्योर है। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, फॉरएवर वाले रिलेशनशिप से पहले LIC। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।